वाटर कैनन का इस्तेमाल करता ये है चीनी कोस्ट गार्ड का जहाज और ये फिलीपीन के सप्लाई बोट्स पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर में दिखाई देगा किस तरह से एक जहाज के ठीक पीछे कोस्ट गार्ड के तीन जहाज एक साथ एक नाव का पीछा कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखाई देगी जहां कोस्ट गार्ड के जहाजों ने फिलीपींस के एक सप्लाई बोट को घेर रखा है। तस्वीर है साउथ चाइना सी की, जहां पर चीन इस बात को लेकर तमाम फिलिपिनी बोट्स को रोकता है कि वो इनके इलाके में जबरदस्ती और गैर कानूनी तरीके से घुसे हुए हैं। दरअसल चीन और फिलीपींस दोनों सेकेंड थॉमस शॉल के इस इलाके पर अपना दावा ठोकते हैं और यहाँ पर फिलीपीन के सप्लाई बोट्स को चीन हर बार रोकता है। इस बार चीनी कोस्ट गार्ड के जवानों ने फिलीपींस के नावों का पीछा किया और फिर उन्हें घेर लिया। इसके अलावा उन पर वाटर कैनन से बल का प्रयोग किया। अब इस पूरी घटना के बाद फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ने बाकायदा बयान जारी करके चीन को चेतावनी दी है। दरअसल फिलीपींस का एक टोल है, यानी एक सड़ता हुआ जहाज है जहां पर उसके सैनिक मौजूद हैं और उनके लिए सप्लाई लेकर हर कुछ दिनों में फिलीपींस की बोट वहां जाती है। इस दौरान चीन कोस्ट गार्ड के जवान जो हैं उसे लगातार परेशान करते हैं, उनकी बोट्स को रोकते हैं, उनका पीछा करते हैं और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में हुई घटना के दौरान ये मामला इतना बढ़ गया था कि चीनी कोस्ट गार्ड का जो जहाज था वो फिलीपीन के बोट से टकरा गया था। अच्छी बात ये रही कि इस पूरे घटना के दौरान किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मामला तब ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। अब फिर से 11 नवंबर को ये जो घटना हुई है उसके बाद फिलीपींस की कोस्ट गार्ड ने चीन को चेतावनी दी है कि वो अपने मिशन ट्रूप्स के लिए जो भी सामान ले जाता है उसमें वो बाधा न पैदा करे। दरअसल एक जहाज है मनीला जहाँ पर फिलीपीनी जवान तैनात हैं और वहाँ पर सप्लाई पहुँचाने के लिए फिलीपींस आमतौर पर छोटी बोट्स का इस्तेमाल करता है और इन्हीं बोट्स को रोकने के लिए हर बार चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज आ जाते हैं। अगर चीन इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।